हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक बहुत नया है, नाम भी इसको पहली बार सुना गया है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड के हिसाब से होता है, मतलब कोविड इन्फेक्शन की वजह से होता है। नाम है इसका पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस। अब ये कौन कहता है, मान लीजिए अगर आपका मरीज़, आपका कोई सगा संबंधी अगर दाखिल है जिसको ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया है, ऑक्सीजन निकल नहीं रहा है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका ऑक्सीजन निकल नहीं रहा है, प्रॉब्लम है क्योंकि उनका लंग फाइब्रोसिस हो चुका है, या तो फिर वो किसी वेंटिलेटर की मशीन के ऊपर है, या तो फिर उनका जो फेफड़ा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि उनको लंग फाइब्रोसिस होने की शुरुआत हो चुकी है, या तो लंग फाइब्रोसिस उनका हो गया है। तो ये जो लंग फाइब्रोसिस होता है ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोविड नहीं आया था उसके पहले भी लंग फाइब्रोसिस हुआ तो करता था। बहुत सारे बीमारियां हैं जिसके अंदर लंग फाइब्रोसिस होता है, जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या तो फिर इसको बोल दे इडियोपैथी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, दूसरी है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, या तो फिर किसी भी दवाई की वजह से भी लंग फाइब्रोसिस हो जाता था, जैसे कि ड्रग इंड्यूस लंग फाइब्रोसिस, या तो फिर कोई भी इंसाइटिंग एजेंट जो लंग के लिए सही नहीं है, जिससे लंग्स को एलर्जी होती है उससे भी लंग फाइब्रोसिस हो जाता था, या तो फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन जो लॉन्ग स्टैंडिंग है या तो फिर बहुत ही सीवियरिटी में है, ऐसे कई इन्फेक्शन की वजह से भी लंग फाइब्रोसिस होता था। तो लंग फाइब्रोसिस होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुड बी ए इन्फेक्शंस, कुड बी ए इन्फ्लेमेशंस, कुड बी ए ड्रग इंड्यूस इंजरी, कुड बी ए सब्सटेंस इंड्यूस इंजरी, कुड बी एन एक्स ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ द लंग इंजरी। तो कुछ भी प्रकार की अगर आप लंग्स जो टिश्यू होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर अगर लंग टिश्यूज़ की इंजरी होती है उसकी वजह से वहाँ पे अगर वो लंग टिश्यूज़ जो नॉर्मली फंक्शनिंग होते हैं, जो एयर और गैस के अंदर उसका ऑक्सीजन लेना और उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना जो उसका मेन फंक्शन होता है, जब ये सेल डेथ हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक नॉन फंक्शनिंग फाइब्रस टिश्यूज़ के अंदर, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस, मतलब एक रेसे का प्रकार का सेल हो जाना, सेल खुद अपने आप में मर जाता है और वहाँ पे एक हीलिंग होती है, और सेल के डेथ हो जाने की वजह से जो हीलिंग होती है वो सिर्फ कहने के लिए होती है। मान लीजिए अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो चोट अगर भर जाने की वजह से वहाँ पे सिर्फ एक स्कार हो जाता है, तो उसी स्कार को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। जो स्किन के ऊपर, चेहरे ऊपर कहीं लगने पर उसको स्कार बोलते हैं, उसी चीज़ को, जो फाइब्रस टिश्यूज़ है जो हीलिंग ठीक से नहीं हुआ है उसी को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो जो फाइब्रोसिस होता है वो बेसिकली एक नॉन फंक्शनिंग टिश्यूज़ है जहाँ पे किसी भी प्रकार का काम नहीं ले सकता। अगर ये फाइब्रोसिस आपके लंग्स के अंदर बहुत सारा हो जाता है, होता क्यों है, क्योंकि एक एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है सेल्स को, तो वो एक्सटेंसिव डैमेज होने के बाद जो बहुत सारा फाइब्रोसिस होता है, तो अगर फाइब्रोसिस छोटी मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो उससे प्रॉब्लम कम होती है। अगर आपका फाइब्रोसिस बहुत सारा है तो वहाँ पे एक पूरे एक सेल की डेथ हो जाती है, तो उससे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और वो जो फाइब्रोटिक पार्ट होता है वो टोटली नॉन फंक्शनिंग होता है, और कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लंग फाइब्रोसिस को पहचाना जाए। अब सवाल ये उठता है कि लंग फाइब्रोसिस हुआ है तो उसका हम पता कैसे करें, और कौन से लोग हैं, कौन किस प्रकार के मरीज़ हैं जिसके अंदर लंग फाइब्रोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो जो बूढ़े होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, 60+ अगर आप ले लें, ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर लगा है, मतलब उनका लंग्स के अंदर डैमेज बहुत ज़्यादा है, या तो फिर ऐसे जो एक साथ दोनों लंग्स के अंदर उनको इन्फेक्शन की मार झेलनी पड़ी है ऐसे लोग, उसके साथ जिनको अंदर निमोनिया ज़्यादा हो चुका है। मान लीजिए अगर आपका फाइब्रोट जो सीटी सीवियरिटी जो स्कोर होता है वो ऑलरेडी 50-60% या 70-80% से ज़्यादा हो चुका है, तो काफ़ी मात्रा में जब लंग्स निमोनिया में आ जाता है, निमोनिया की वजह से लंग्स के अंदर डैमेज होता है, तो इन लोगों को भी फाइब्रोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ ऐसे ही लोगों के अंदर जो इतना ज़्यादा लंग्स के अंदर इन्फेक्शन की मार झेलनी पड़ती है, उनको उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उनकी सांस फूलने लगती है। तो जो लोग लंबे समय से ऑक्सीजन के ऊपर हैं, जिन लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर रखने की ज़रूरत पड़ रही है,
ऐसे लोगों को लंग फाइब्रोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये हम पता कैसे करें और कब करें? कब करें मतलब अगर आप कुछ दिनों के अंदर अगर आप चाहते हो तो लंग फाइब्रोसिस कोई इनिशियल फेज में शुरू होने वाली प्रोसेस नहीं है, वो एक लंबे टाइम से होती है। तो ये अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए एक बार लो कोविड इन्फेक्शन हो जाने के बाद और प्रॉब्लम हो जाने के बाद आप 3 या 4 हफ्ते बाद अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपका लंग फाइब्रोसिस हो चुका है। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है? सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो है सीटी स्कैन का टेस्ट, क्योंकि फाइब्रोसिस एक प्रकार का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसको ढूंढने के लिए और उसको पूरा ठीक से इवेल्यूट करने के लिए सीटी स्कैन इज़ द बेस्ट टेस्ट अवेलेबल। और भी टेस्ट हैं जो कर सकते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, वहाँ पर भी हमें पता चल जाता है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी कम रहती है। तीसरा है PFT, जिसे हम बोलते हैं पल्मरी फंक्शन टेस्ट। पल्मरी जो फंक्शन टेस्ट होता है वहाँ पर भी अगर एक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न का अगर आता है पैटर्न PFT के अंदर तो भी हम बोल सकते हैं कि इनको पल्मरी फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है, मतलब कि लंग फाइब्रोसिस शुरू होना हो गया है। तो कौन कौन सी जो फाइंडिंग्स होती है सीटी स्कैन के अंदर जो बताती है कि आपका लंग फाइब्रोसिस होने की तरफ जा सकता है? तो अगर आप सीटी स्कैन देख रहे हैं तो उसके फाइंडिंग्स के अंदर आप पढ़ेंगे तो अगर वहाँ पर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी बहुत मात्रा में है, या तो फिर वहाँ पे ग्राउंड ग्लास जब ओपेसिटी बढ़ जाती है तो एक क्रेजी पेवमेंट फाइंडिंग्स आती है, या तो फिर आपका इंटरस्टिशियल पेरेंकाइमल फाइब्रोसिस हो रहा है, या तो फिर आपका पल्मोनरी बैंड हो रहा है, पेरेंकाइमल बैंड्स दिख रही हैं आपको या तो सबक्यूरल बैंड दिख रही है, तो ये सारे फाइंडिंग्स हैं जो बताते हैं कि आपका लंग फाइब्रोसिस होने की तरफ जा रहा है। मान लीजिए पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया है तो अब ये फाइब्रोसिस हमने इस टेस्ट से देख लें तो ये अब ट्रीटमेंट उसको कैसे करें? पल्मोनरी फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, मतलब उसके जो दवाई होती है वो ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, लेकिन फिर भी कोविड में अगर हम देखा जाए तो व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर द पल्मोनरी फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट? तो ऐसा देखा गया है कि स्टीरॉयड इज़ अ गुड ऑप्शंस, सो ऑलवेज ट्राई अ स्टीरॉयड। स्टीरॉयड मगर याद रखिए उसको 10 दिन से ज़्यादा उसको इस्तेमाल मत करिए और उसको लो डोज में शुरू करिए। हो सके तो आप उसको 30 मिलीग्राम, 20 से 40 मिलीग्राम की रेंज में आप इसको दे सकते हैं। सेकंड जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट, एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स। तो ये जो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स हैं वो भी कुछ हद तक हमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि परफेनिडोन है, ये भी 200 मिलीग्राम की दवाई गोली है जिसे हम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। इसका मैक्सिमम डोज भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। अगर हम चाहें तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जैसे कि स्टेरॉयड और एंटी फाइब्रोटिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये कुछ हद तक काम कर सकते हैं। अगर आपको स्टेरॉयड देना है तो उसको सिर्फ शॉर्ट कोर्स में ही दीजिए, उसको ज़्यादा 3 या 6 वीक्स के अंदर उसको कंप्लीट कर देना है। अगर आपको एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट देना है तो आप कम से कम उसको 1 या 3 महीने तो ज़रूर दें, तभी उसका फ़ायदा होगा। और याद रखें आपको लगता है कि ऐसे ऐसे मरीजों में फाइब्रोसिस होने की संभावना ज़्यादा है तो उनमें कभी भी ये ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी मत करिए, उसको तुरंत शुरू कर दीजिए। दूसरी भी दवाई है जो फाइब्रोसिस में तो हेल्प नहीं करती है लेकिन जैसे लंग फाइब्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं इनके लिए काम करती हैं या आगे उसका पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के अंदर भी उसको यूज़ करती है। जैसे कि ऐसे मरीजों को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन पे रखा जाना पड़ता है तो ऑक्सीजन थेरेपी इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट। याद रखिए ऑक्सीजन थेरेपी लंबे समय से मत लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो उससे भी फ्री रेडिकल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। दिस रेडिकल कैन डैमेज द लंग्स एंड दैट कैन कॉज द फाइब्रोसिस, जो और आपका बढ़ा देता है। दूसरा है आप अगर लग रहा है कि आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द एंटीबायोटिक्स इन दिस केस। और अगर आप इसका पल्मोनरी रिप्लेस करना चाहें तो पल्मोनरी एक्सरसाइज लाइक जैसे कि स्पायरोमेट्री है या तो बाय यूजिंग एडवाइज ऑफ द फिजियोथेरापीज ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द पल्मोनरी कैपेसिटी और पल्मोनरी फंक्शंस, तो ये आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बूढ़े हैं और आपको इसके इन्फेक्शन लगने की संभावना ज़्यादा है तो पल्मोनरी वैक्सीन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन के अगेंस्ट में आपको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका अगर और कोई दूसरे इन्फ्लुएंजा या तो फिर निमोनिया को आप निमंत्रण देना आपको भारी पड़ सकता है। तो ये और एक बाद में छूट गया है, वो है आपका एंटी कोगुलेशन ट्रीटमेंट।
एंटी कोगुलेशन ये भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड के अंदर जो खून होता है वो जम जाता है, तो उसके लिए भी आपको एंटी कोगुलेशन ट्रीटमेंट जैसे कि हिपैरिन हो गया या तो फिर लो मॉलिकुलर हिपैरिन हो गया, आजकल तो काफ़ी ओरल मेडिसिन भी आती हैं उसके लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टीरॉयड एंड द एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स लाइक द परफेंडोन, यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव मेडिकेशन टू ट्रीट द लंग फाइब्रोटिक पेशेंट्स। होप यू ऑल एंड होप ऑल द पेशेंट्स दैट अफेक्टेड विद द लंग फाइब्रोसिस गेट रिकवर सून। थैंक यू।